संगठनों द्वारा भारत बंद अभियान के तहत अपनी नाराजगी जाहिर की गई है, जिस पर फिर मीडिया के जरिए पक्ष व विपक्ष में किस्म किस्म की प्रतिक्रियाएं भी हमारे सामने आई हैं। लेकिन हमारी पार्टी का कल दोनों पक्ष को जानने व समझने के बाद, खासकर इस SC ST एक्ट की बहाली का विरोध करने वाले लोगों को ये कहना है कि जो लोग इस एक्ट की बहाली को लेकर अपने दिल व दिमाग में ये गलत धारणा बनाए हुए हैं कि अब इस एक्ट का दुरुपयोग होगा और अब इस एक्ट की बहाली की आड़ में दलितों व आदिवासियों को छोड़कर बाकी अन्य सभी समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि होगा, तो इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। क्योंकि इस एक्ट का दुरुपयोग होना व न होना, ये सब कुछ केंद्र व राज्य सरकारों की, खासकर SC ST वर्गों के प्रति उनकी सही व ईमानदार सोच, नीति, नियत व कार्य प्रणाली आदि पर ही निर्भर करता है। और इस बात का खास सबूत उत्तर प्रदेश में BSP के नेतृत्व में वहां का 4 बार का राह हमारा सही व ईमानदार, जाति विहीन व समता मूलक एवं सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय की नीतियों पर आधारित शासन काल का होना रहा है, जिसके तहत चलकर इस एक्ट का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होने दिया गया था। हालांकि इसके दुरुपयोग करने को लेकर जो भी मामले मेरी सरकार के सामने आए थे, तो वो मामले ज्यादातर पिछली रही सरकारों के समय के ही थे, जिनकी फिर मेरी सरकार के पूरे ठीक जिन मुद्दों के या जिन मामलों के फिर मेरी सरकार ने पूरे ठीक ढंग से जांच पड़ताल करा के फिर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया गया था। लेकिन इस मामले में हमें इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों की सरकारों में ऐसा कुछ भी होते हुए देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस एक्ट की आड़ में अब तो खासकर सत्ताधारी BJP व इनके पैतृक संगठन RSS द्वारा घिनौनी राजनीति और की जा रही है, जिसके तहत ही कल खासकर BJP शासित राज्यों में इस SC ST एक्ट की बहाली के विरुद्ध कुछ संगठनों के जरिए किया गया भारत बंद, ये पूरे तौर से इनकी सरकारों द्वारा पर्दे के पीछे से प्रायोजित BJP व RSS का जातिवादी वे अपने राजनीतिक स्वार्थ एवं लाभ के लिए इनका कोरा चुनावी षड्यंत्र है। और साथ ही इसकी आड़ में इनका जनता के असली व ज्वलंत मुद्दों पर से ध्यान बांटने का भी कल रहा असफल इनका ये प्रयास है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल बंद का ज्यादातर असर हमें उन्हीं राज्यों में देखने के लिए मिला है जिन राज्यों में BJP की अकेले या फिर BJP व इनके सहयोगी दलों की मिली जुली सरकारें चल रही हैं, तथा जिन राज्यों में कुछ ही महीनों में विधानसभा के आम चुनाव भी होने वाले हैं। और वैसे भी अब देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव भी बहुत नजदीक रह गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये बात भी जग जाहिर है कि इनकी सरकारों के शुरू से ही चल रही खासकर गलत आर्थिक नीतियों, मैं आर्थिक की बात कर रही हूँ, इनकी सरकारों की शुरू से ही चल रही खासकर गलत आर्थिक नीतियों में गलत कार्यशैली की वजह से अब पूरे देश में सर्व समाज में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। डीजल व पेट्रोल की आए दिन बढ़ रही कीमतों ने तो अब जनता की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनत कश लोग तथा दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम एवं अन्य
धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग तो ये सभी बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इन्हीं सभी कारणों से अब अकेले बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी इनका जनाधार काफी ज्यादा खिसक चुका है और तेजी से आए दिन खिसक भी रहा है। इसके साथ ही इनकी विशेषकर यानी कि बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी के लोगों की विशेषकर दलित व आदिवासी विरोधी नीतियों एवं उन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति के कारण ही ये लोग तो बहुत पहले ही इनसे काफी दूर जा चुके हैं, जिन्हें अपनी ओर लुभाने के लिए आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही इन वर्गों के सम्मान व स्वाभिमान से जुड़े इनके इस एससी एसटी एक्ट के साथ पहले काफी खिलवाड़ किया और फिर इसे आज कच्चा बहाल करा के कल षड्यंत्र के तहत ही इन्होंने अपने लोगों को ही आगे करके वे खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इसका विरोध भी करवाया। ये सब किसी से छिपा नहीं है, जबकि वास्तव में इस एक्ट को लेकर बीजेपी व आरएसएस के बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है, एक तरफ तो बीजेपी की सरकारें माननीय न्यायालय में इन वर्गों के सम्मान व स्वाभिमान से जुड़े इस एक्ट के मामले में समय से उचित कानूनी व सही पैरवी नहीं करके इस मुद्दे को भटकाती है, और फिर बाद में इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर इस एक्ट की बहाली को लेकर जरूरी कानूनी उपाय करने की आधी अधूरी कोशिश करती है, और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के प्रति अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर फिर वहीं दूसरी तरफ अपने ही लोगों से इसके विरुद्ध विरोध व बंद आदि भी करवाती है, जो कि ये इनके दोहरे चाल चरित्र व मापदंड को भी दर्शाता है। इसके साथ ही यहाँ मैं खासकर पूरे देश के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी कहना चाहती हूँ, उन्हें ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कल जिस प्रकार से बीजेपी व आरएसएस के लोग पर्दे के पीछे से रहकर इस एक्ट की बहाली का विरोध कर रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार का जबरदस्त विरोध इससे पहले इन्होंने सन 1990 में ओबीसी वर्गों को सरकारी नौकरियों व शिक्षा आदि में 27% आरक्षण देने के विरोध में भी किया था। जब देश में बीएसपी के अथक प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को श्री बीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू किया गया था, ये बात भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए। इसके साथ ही ये बात भी सर्वविदित है कि देश में वे खासकर बीजेपी शासित राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान आदि में शीघ्र ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और वैसे अब लोकसभा का आम चुनाव भी काफी नजदीक है, और अब ऐसे में बीजेपी व आरएसएस एंड कंपनी के लोग अपनी केंद्र व राज्यों में अपनी सरकारों के कमजोर स्थिति को देखते हुए अर्थात अपने जनाधार को खिसकते हुए देखकर बहुत तेजी से अपने जनाधार को खिसकते हुए देखकर अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में यह किसी न किसी मुद्दे को लेकर जातिवादी उन्माद व हिंसा फैलाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ठीक चुनाव के समय में भी फिर इसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव पहले अब ये जातिवादी कर रहे हैं, फिर ठीक इसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव व हिंसा आदि भी फैलाकर अपनी चुनावी स्वार्थ की रोटी सेकने का भी प्रयास ये लोग कर सकते हैं, जैसा कि ये लोग पहले भी करते रहे। इसलिए बीएसपी के सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अपर कास्ट समाज के लोगों से ये पुरजोर अपील है कि वे इनके इस प्रकार की घिनौनी साजिशों का शिकार ना बने तथा ना गुमराह होकर और ना ही इनके बहकावे में भी आकर अपना किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना करें। और खास तौर से मैं अपर कास्ट समाज के लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो जिसने
सबसे पहले अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं, आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए तो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए, खासकर सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण दिए जाने के लिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए सबसे पहले लिखित में केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखी थी और इस मामले को संसद के अंदर और संसद के बाहर भी हमारी पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। क्योंकि हमारी पार्टी तो केवल दलित पिछड़ों और अकलियतों के हितों की पार्टी नहीं है, बल्कि यह सब जनहिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित पार्टी है, सब समाज के हितों का ध्यान रखती है। और इतना ही नहीं, मैं खास तौर से आज उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश में जो अपर कास्ट समाज के लोग हैं, उनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनी तो मेरी सरकार बनने से पहले अपर कास्ट समाज के जो लोग हैं तो उनकी सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब मेरी सरकार बनी तो मैंने उस प्रतिबंध को हटाकर तो अपर कास्ट समाज के लोगों के लिए तो सरकारी नौकरियों में जाने का रास्ता साफ किया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अकेले पूरे देश में अकेले दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को ही नहीं, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों को ही नहीं, अकेलेतों को ही नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों को भी मेरा सावधानी के तौर पर यह कहना है कि बीजेपी वर्तमान में जो सत्ताधारी केंद्र में बीजेपी व जो आरएसएस के जो लोग हैं, तो ये किसी भी कीमत पर, तो ये जो दबे कुचले लोग हैं या अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जो लगे लोग हैं, इनको अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और इसीलिए आज समाज का हर वर्ग, विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए लोग बड़े पैमाने पर दुखी हैं। और खास तौर से इन्होंने जो बिना पूरी अपनी तैयारी के अपरिपक्व तरीके से जो नोटबंदी लागू की और जीएसटी जो इन्होंने लागू किया, तो उससे आज क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर जनता त्राही त्राही कर रही है। इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं तो आम जनता के हित में इन्होंने नहीं बनाई है। जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, इनकी नीतियां तो जो जो आम जनता है उनके हित में नहीं है, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों, गिने चुने उन पूंजीपतियों और धन्ना श्रेणियों के हित में बनाई गई है। तो जिनके धन और बल के ऊपर तो ये पार्टी केंद्र की सत्ता में, जब सन 2014 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, उन्हीं के ही धन बल की बदौलत से ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अब, लेकिन इनकी इस किस्म की जो नीति है तो अब जनता अच्छी प्रकार से भाग चुकी है, इनका जनाधार खिसक चुका है, अच्छी प्रकार से खिसक चुका है। अब ये बड़े दुखी हैं, तो ये अब किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, दोगली नीति अपना अब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे सब समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए कल जो बंद किया गया, खास तौर से पर्दे के पीछे से रहकर, तो बीजेपी और इनके पैतृक संगठन आरएसएस द्वारा, तो इससे सर्व समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो इसी के लिए मैंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, या अपनी बात आप लोगों के सामने रखी, पूरे देशवासियों के सामने रखी है। मुझे उम्मीद है कि सर्व समाज के लोग तो इनकी जो दोगली नीति है, चाल चरित्र है, दोगला जो मापदंड है, उससे जरूर सावधान रहेंगे। धन्यवाद।